निश्चित रूप से मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खुशी का, अपार प्रसन्नता का ये दिन है कि जब आज सा परिवार नवनिर्मित इस मंदिर में जहां पर भगवान श्री राम जी को स्थापित किया गया, आप सोचिए कितनी लंबी लड़ाई रही है इसके लिए, सैकड़ों वर्ष की ये लड़ाई थी, आज वहां दर्शन का अवसर मिला है। यद्यपि हमने पहले भी भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन किया था, लेकिन दुख होता था कि जब वो झिल्ली और पन्नी के नीचे रहते थे, कितनी पीढ़ियां इंतजार करती रह गई कि भगवान प्रभु राम अपनी जगह पर स्थापित हों। आज वो मौका आया है कि भगवान प्रभु राम अपने स्थायी निवास पर आज आए हैं, और हम समझते हैं कि हमारी पीढ़ी के लोगों को कितनी खुशी होगी। और ये लड़ाई तो हमारी सदैव रही है, सदैव मैंने ये मांग उठाई कि धर्म के खिलाफ लोगों को नहीं बोलना चाहिए, धर्म हमारे आस्था का विषय है और ये कोई नई चीज नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जहां कड़कड़ में राम है, हर व्यक्ति में राम है, और राम के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, राम के दर्शन के लिए कोई रोकेगा, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। और मैं खुशी है कि आज भगवान प्रभु राम के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, उनसे हम आशीर्वाद मांगेंगे प्रदेश के उन कमजोर, गरीब, उन तमाम अति पिछड़े, अपने उन दलित भाइयों के लिए भी, कि उनको भी सम्मान मिले, समरसता से जुड़े। यद्यपि हम बधाई देंगे कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण ही नहीं कराया है, बल्कि समता और समरसता के एक नए रास्ते और एक नए आयाम को भी उन्होंने दिखाने का काम किया। होता है कि इतने समय लग गया, 22 जनवरी से लेकर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक बीच में कई बार अवसर मिला, आप लोगों को आमंत्रण भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आ पाए दर्शन। नहीं, दली बैठक में मैंने खुद ये प्रस्ताव रखा था कि विधायकों को ले जाया जाए, दर्शन कराया जाए, बड़ी संख्या में बहुतायत और बहुसंख्यक विधायक वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को दर्शन करने से रोका गया। आज हमें दर्शन का भगवान प्रभु राम ने अवसर दिया है और आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। अकल्पनीय अद्भुत दर्शन आज हमको प्राप्त हुआ है। मैं भगवान प्रभु राम के चरणों में आकर के आज अपने को महसूस कर रहा हूं कि मैं भी इस देश का, सनातन का और हिंदू का एक वो व्यक्ति हूं जिनको भगवान प्रभु राम ने दर्शन देने का काम किया है। और जहां तक आपने कामना की बात किया है, जब हम ये बात करते हैं कि भगवान राम कड़कड़ में है, सब जगह भगवान राम है, ये देश राम का है, और हम कह सकते हैं कि भारत में बिना राम के बिना सब सूना है, और राम ही हम सबके पालक हैं। तो मैं समझता हूं कि आज भगवान राम का जो दर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है, उसमें हमने भगवान राम से ये आशीर्वाद मांगा है अपनी ऊंचाहार की जनता के लिए, अपने तमाम उन कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े उन भाइयों के लिए जिन्हें अभी समाज की मुक्त पंक्ति में ला करके खड़ा करना है, उनको आगे खड़ा करना है, अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए। और मैं समझता हूं कि आज ये दर्शन जो हमें प्राप्त हुआ और हमारी पीढ़ी के लोगों को प्राप्त हो रहा, हम उन पीढ़ियों की बात करते हैं जो पीढ़ियां तरस गई कि भगवान राम कब मंदिर में जाएंगे, कब भगवान राम को स्थायी रूप से उनका घर मिलेगा। तो ये एक दशक, दो दशक की नहीं, ये 50 दशक की आज लोगों की जो मांग थी, जो भावनाएं थी, आज वो पूरी हुई हैं। और भगवान राम के दर्शन जो इस पीढ़ी के लोग पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उनके ऊपर एक ईश्वर की असीम कृपा रही है। आप पहली बार आए हैं क्या? इसके पहले भी जब विधायकों का दल आया था तो उस समय आपने प्रयास किया था आने का? नहीं, बिल्कुल मैंने प्रयास किया था, और मैंने दल की बैठक में भी मैंने मुख्य सचेतक के रूप में ये मांग की थी कि सभी विधायकों को दर्शन कराया जाए।